ਮਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਔਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੇ ਰਾਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਯੇ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇ ਨਈਮ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜਿਨਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ 70 ਸਾਲਾ ਖਾਤੂਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਨਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੀਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ। ਉਰਦੂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਾਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏ ਔਰ ਬੈਲ ਕੇ ਆਈਕਨ ਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹਮਾਰੀ ਤਮਾਮ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੇ ਬਾਖਬਰ ਰਹਿ ਸਕੇਂ। नईम शहज़ाद जिनका तल्लक गुजरात से है और ये हमारी बाबी मैरी जिनका तल्लक कैनेडा से है, फेसबुक से चलने वाली जो स्टोरी आज रिश्ता अजवाज में मुंसलिक हो चुके हैं, इनसे जानते हैं कि इनकी दोस्ती कब हुई और कैसे शुरू हुआ ये सारा सिलसिला। साड़ी दोस्ती सन 2012 में स्टार्ट हुई है तो तकरीबन सन 2017 में 15 में साड़ी लव मैरिज लव वाले पास गलबात स्टार्ट हुई है। उस तो बाद साड़ी सन 2017 दे विच शादी हुई है। सन 2017 अगस्त विच जब आपकी शादी हो चुकी है उसके बाद आप कैनेडा नहीं गए? नहीं नहीं, वो कोई वीज़े का इशू बन गया सी, रिफ्यूज़ हो गया, इस वजह तो नहीं गए अभी। तो आपने सोचा कि भाभी को इधर बुला लें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके जो एजुकेशन है वो कितनी है और इनकी एज कितनी है और किस यानी कैनेडा के किस शहर से हैं? कैनेडा शहर टोरेंटो तू ने, तो बाकी जी इनफॉरमेशन अपनी शेयर नहीं करना चाहते, स्पेशली एज बारे ना वो नहीं शेयर करना चाहते। अंदाजन कितनी होगी? 70+। आपकी कितनी एज है? 35। 35 और 70+ यानी दुगनी एज है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी ऐसी खूबी थी जिस वजह से आपने इनसे एज फैक्टर होने के बावजूद शादी के रजामंद हो गए? मेरे नाले काफ़ी अरसे तू रहे सन, मैं माइंडली जड़ा डिस्टर्ब सा, मैं नहीं सा स्टेबल नहीं सा, अभी इन्होंने नाल रहन नाल इन्होंने समझाण नाल सपोर्ट करने नाल हर तरह की इन्होंने सपोर्ट की मैं उदी वजह तो मैं अटैच होया तो उस वजह तो ही मतलब। लोग आपकी एक टिकटॉक पर वीडियो वायरल है जिसमें लोग कह रहे हैं कि अपने नेशनैलिटी के लिए शादी की है और इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, ये क्या है, कितने पैसे इनके पास? तो तुसी घर आए हो तुसी अपना वेख लो, कोई इत्थे कोई शय नहीं है, सिर्फ जरूरत दियां चीज़ां ने, सोफा सैट कोई नहीं है भी साढ़े को, मतलब कोई मेहमान आ जाए बैठ वास्ते, मंजियां जड़ियां ने अपने घरों चुके लियांदियां ने पिंडों, तो बाकी की बंदा आखे, जेडे सोचते ने सोचते रहन की आखे बंदा हूं इन्हां नूं। बिल्कुल असी ते अपना गुजारा कर रहे हैं। कैनेडा दे विच कोई बिल्कुल अमीर नहीं है, मकूल जी पेनशन है इन्हां दी तो उद्दे विच ही गुजारा करते हैं, तो उद्दे विच भी थोड़े बहुते मैं पैसे टोरते रहे हैं। हूँ इन्ने कर अमीर इन्ने कर ज़्यादा अमीर ने, साडा वीज़ा रिफ्यूज़ होया दसंबर विच, जनवरी विच, जनवरी तो बाद हूँ तीकर मैनू तो इन्होंने काम करन को नहीं दिता, मेरे को तो पैसा को नहीं सी जमा भी उदू लैके दसंबर तो लैके तो हूँ तीकर असी पैसा जोड़ के थोड़ा बहुत समान खरीदया, तो टिकट के पैसे खरीदे ने तो पाकिस्तान आए हैं, तो अगू असी अगले आसरे दें बई वो सानू पेनशन आवेगी तो असी गुजारा करा, तो इन्ने कर असी अमीर आ। नईम साहब उम्रों का इतना फर्क, शादी करते वक्त कभी जेहन में ना ये बात आई कि यार इतनी बड़ी उम्र की शादी है, मैं अभी यंग हूँ, कभी ये सोचा नहीं? मेरे वास्ते दुनिया तो सब तो ज़्यादा जो कोई इंपॉर्टेंट है ना वो है बेगम है, मेरी माँ, मेरी बेगम, मेरा बड़ा भाई, इन्होंने तो अलावा मेरे वास्ते इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं, तो अपनी बेगम वास्ते मैं कुछ भी कर सकना वा, बाकी और की बंदियां दा की कह सकने हैं, फिर चलता है निज़ाम वो वास्ते मैं रेडी हाँ, सारी मैं शादी करने तो पहले ही है मैं रेडी हो गया, मैं पता सी कि सारी जिंदगी गल्ला सुननिया ने, किन्ने पूरी दुनिया तो नहीं मैं समझा सकता, जिथे भी साढ़े जिथे भी किसी नवे बंद पता लगना साढ़ा उत्थे उन्होंने जरूर गल करनी है कि गोल्ड डिगर है या फिर इतने कोई चक्कर हो रहा, तो मैं कोई अभी ये पाकिस्तान रहेंगे या कैनेडा वापस जाएंगे? पाकिस्तान 6 महीने पाकिस्तान रहन दे, उस तो बाद दोबारा 2 महीने बाद या जदों भी पैसे टिकट दे फिर आ जाते, बाकी जो सा यूट्यूब तो काम स्टार्ट हो गया ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं इन्हों आप इतने बुला ला करा या इन्होंने सूटेबल जो कंट्री है ना इन्हों उ लैके जाता, उसकी वजह है कि पाकिस्तान की गर्मी तो गंद धूड़ की वजह तो ना इन्हों बहुत तबीयत खराब हो गई है बहुत ज़्यादा। नईम साहब आपकी लव स्टोरी तो चल रही थी लेकिन पहले प्रपोज किसने किया? मेरी वाइफ ने मैनू प्रपोज किया, फेसबुक तो ऐड भी इन्हें किया, प्रपोज भी इन्हें किया बस। तो आपको क्या पहले दिन से ही पता था इनकी इतनी एज है या बाद में पता चला? नहीं मैंने पहले दिन तो पता सी क्योंकि कोई अरसे बाद ना इन्होंने मेरी बर्थडे सानू बर्थडे तक नहीं सी पता है भी सानू तो यही पता सी ईद होंगी है तो या इंडिपेंडेंस डे होंगे वल्ला बिल्कुल को नहीं सी पता है भी कि बर्थडे भी कोई चीज़ होंगी है, तो इन्होंने मेरी बर्थडे मैंने इन्होंने पूछा तेरी बर्थ डेट की है, तो बर्थ डेट इन्होंने मैंने दस्या भाई तेरी है जड़ा ना मैं इन्होंने कोई गिफ्ट के तौर पर कोई थोड़े जिन्हें पैसे भेजे भाई अपनी बर्थडे का यह गिफ्ट मेरी तरफों लाया,
उस तो बाद मैनू उस तो बाद मैं फाइंड आउट किया कि इन्होंने वास्ते कितनी ज़्यादा जी जरूरी चीज़ है बर्थडे। तो फिर मैं इन्होंने पूछा सी, इन्होंने पूछ के फिर इन्हों की बर्थडे जी मैं अपनी फैमिली मनाई सी। आपकी एजुकेशन कितनी और क्या काम करते हैं? मेरी एजुकेशन जी वो अठ मिडल पास हम है। मैं पहले वेल्डिंग का काम करता रहा, जो शादी हुई तो उन्हें छुड़ा छड़िया काम। नहीं, शादी के बाद लोग ज़्यादा काम शुरू मेहनत करना शुरू करते थे, आपको छुड़ा दिया? मैनू इन्होंने इस गले काम छुड़ा छड़िया, उन्होंने आख्या मैनू इन्होंने पहले किया कि भाई जाके एक डिप्लोमा कर इतें, जिस वे कैनेडा आवेगा तो इतने आ गए डिप्लोमे के सिर तेन जॉब लभनी है तो ये अच्छी इनकम है वेल्डिंग का डिप्लोमा कर तू। वो मैं डिप्लोमा करता तो इन्होंने मैंने कहा कि तू उ जिस वे इन्हें मैं आख्या माहौल विखा वीडियो कॉल दे, माहौल विखाया वीडियो कॉल दे, उन्हें आख्या बंद बहुत गंद है इतने, तू बीमार ना हो जाए, तू छड़ घर चल, जी इतों तेन सैलरी लभदी मैं तेन देनी हाँ, तू चल घर, घर जाके अपने माँ प्यो की खिदमत कर, तो उत्थे अपने माँ प्यो का घर के जड़ा ना हाथ बटा, तो तेन काम करने की कोई जरूरत, जी खर्चे की जरूरत हुई मैं तेन खर्चा भेजा दी, तू नहीं करना काम। मैं यानी उनके जब आपने अपना डिप्लोमा किया तो आपकी घर बैठे ही पेंशन शुरू होगी? सन 2014 तो स्टार्ट हो गई सी, उहदी वजह है वे कि मैनू इन्होंने पहले मैनू एक बहाने नाल मैनू पैसे सेंड किए सन, फिर उस तो बाद फिर बच्चियां मेरे भतीजे भतीजियां भतीजे फिर मेरे माँ प्यो की फिर सारे दी बर्थडे डेटा लैके तो वह बहाने बहाने नाल मैनू पैसे सेंड करते करती रहती सी। मैं बहुत ज़्यादा मना करता सा, मैं नहीं सा लैंदा, फिर पहली दफ़ा इन्हें अम्मी अबू अगे भाई और अगे सारे अगे लड़ाई शुरू रोना शुरू कर छड़े, एडे एडे मोटे अथरू सुटने शुरू कर छड़े, भई नहीं मैं मैनू प्यार नहीं करता या मैनू दोस्त नहीं समझता है भी, तो मेरे को लेंदा नहीं पाया भी। फिर पहली बार अबू होर ने कहा पुत्र एक बार ले ले पैसे, अगू ने लिया है भी। जो मिसिज हैं इनको घर वालों ने एक्सेप्ट किया या आप वैसे अपनी मर्जी के साथ इधर रेंट पर रह रहे हैं? घर वाले ने एक्सेप्ट किया है, अच्छे तरीके एक्सेप्ट किया है, वालद साहब थोड़े नाराज ने, बाकी घर जिहड़ा साडा छोटा है जिथे पिछे रह रहे हैं असीं, वो घर जरा छोटा उत्थे इन्नी जगह नहीं है अभी, तो इस गल्ले फिर दूसरे नंबर ते लास्ट टाइम 6 साल पहले जो आए सन ना आले दुआले पिंडां चू बीबियां ते अपने पिंड दे बंदे जिहड़े ना टोले बन बन आंदे सन मिलन, रिस्पैक्ट देंदे, उन्होंने बड़ी अच्छी रिस्पैक्ट दी है, गिफ्ट लैके आए ने चादर, किसी ने खेस तराइया चुकियां ने गिफ्ट वगैरह इस तरह चीज़ा देन आंदे, तो वह इस तरह कल्ला रहना कल्या रहना पसंद करते हैं, तो इस चीज़ तो ना जरा डिस्टर्ब हो गई सी, जिदी वजह तो मैंने आख्या कि नहीं शहर के रख असी उत्थे शिफ्ट होने। आपकी एक टिकटॉक पर वीडियो वायरल है जिसमें आपने कहा कि फाइनली आफ्टर 6 ईयर माई वाइफ एड ऑफ पाकिस्तान, वो उसके बाद आप टिकटॉक भी काफ़ी मशहूर हो गई हैं, नेक्स्ट टाइम टिकटॉक यानी वीडियो वगैरह बनाएंगे, क्या कहते हैं आपकी मिस उस बारे में? मेरी बेगम जी नहीं मान रही है भी बिल्कुल को आँदी है कि नहीं जो कुछ हो गया बहुत है, क्योंकि उसके दिल से डर पै गया कि बाकी भी दुनिया जी सू समझती है कि बहुत पैसा इन्होंने को पता नहीं की चीज़ है ये को जिन्हें एड्डी बुढ़ी औरत शादी कर ली है। तो यूट्यूब के वास्ते यूट्यूब मैं शुरू करा अपना काम, यूट्यूब बनाया चैनल वो वीडियो अपलोड करता रहा, तो क्योंकि मैं छड़ के ज़्यादा काम शाम अगे पिछे जा नहीं सकता कर नहीं सकता, तो सर्वाइवल वास्ते सानू यह करना पवेगा यूट्यूब का। इनकी आमद पर जब ये आई है पाकिस्तान, शादी आपकी हुई है, कौन कौन सी रसूमात आ गई थी? जो शादी हुई सी उदू तो बस साढ़े को एक महीना सी, 2 दिन तो आवन च ला गए सन, बाकी साढ़े को 28 दिन सन, वो 28 दिन असी दूसरे दिन जाके सिंपल जहा निकाह किया इतने अदालत च, उस तो बाद असी जिसले साडा को पेपर का मसला बन गया सी, ओ वकील जड़ा उन्हों का कोई आपस से झगड़ा हो गया सी पैसों का, उन्होंने आख्या कोई गोरी आई है बहरों तुसी माल बड़ा झड़े है तो सानू भी कोई दियो, तो उस चक्कर दे विच ना निकाहनामा साडा खराब हो गया सी, 21 तरीक नूं साडा रजिस्टर होया, सानू पेपर शेपर लगे सन, तो 26 तरीक नूं अगों असी घर छोटा सारा फंक्शन किया सी कोई 50-60 बंदियां दा, तो अपने घर दे विच ही जिहड़ा उहने मैडम ने आप ही खाना बनाया सारा आप ही खाना सारा बनाया, इन्हें तो मेरी मशीरा ने रल के खाना बना के वो छोटी सारी पार्टी कर गई। यानी जो वलीमे की सरमनी की है वो दुल्हन खुद ही खाना पका रहे हैं खुद ही खाना बना रहे थे। 6 साल आपकी शादी को हो गए हैं, अभी तक बाहर क्यों नहीं गए, कैनेडा क्यों नहीं गए? वो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, उन्होंने भी यह रिफ्यूज़ल लाया, उन्होंने आख्या मैनू सही कन्फर्म तो नहीं पता है भी, मैनू इन्नी इंग्लिश पेपर आया सी मेरे को, उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी मैरिज जी इलीगल है फेक है, डाकूमेंट जोड़े ने रिजनल नहीं है, मतलब कि पता नहीं की वो मसला है,
फिर एज का पता नहीं, मैं कन्फर्म नहीं है, मेरी वाइफ का आंसर दे। वट वॉज द क्वालिटी नईम डिसाइड टू हर मैरिज? Because he's a very honest person to me. We talk a lot and I think he's been very faithful for the past 11 years I have known him. And our 6 years of marriage been great. So I love him a lot. अच्छा, लास्ट में नहीं सर, सर ये बता दें इस मैरिज को लव मैरिज कहें या पेपर मैरिज? लव मैरिज भी ये फिर दूसरे नंबर पर। मैं इस चीज़ को समझना कि सानू जड़ी है ना दोनों जड़ी मेन चीज़ है ना वो यह चीज़ है कि सानू एक दूसरे नू एक दूजे दूसरे की जरूरत है, क्योंकि मनु ए जरूरत है वो इस चीज़ ना कि मैनू हर बंदे नू एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता जो समझदा हो गाइड अच्छा करता हो। हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे इस लव मैरिज के बारे में? मैं ये कहना चाहना वा कि जदों भी तुसी अपनी लाइफ का करते हो ना कोई फैसला करते हो, जदों भी कदे भी पैसा वेख के ना करो, पैसा वेख के ना करो, तुसी ए वेखो कि तुसी उहदे नाल खुश रहिंदे हो सिर्फ, तुसी मतलब कि तुसी एक आम लफ्जा दे विच वेख लो कि तुहानू उहदी एक बहुत घटिया जी गल जिहड़ी है ना उहदा भी तुहानू मज़ा आवे। आम लफ्जा दे विच हुण मैनू इहदे मेरे नाल कोई भी करदी है ना गल, मैनू उहदियां गल्लां दे विच मज़ा आउंदा है, कोई भी मेरे मैनू छेड़ी है ना भाई तंग करती है मेरी बेगम, तो मैनू वो क्यूटनैस नज़र आती है, मैनू अच्छी लगती है मेरी बेगम, मैनू ए गुस्सा नहीं चढ़ता। या फिर कोई गल कद कि लड़ाइया आम मियाँ बीवियाँ आम नॉर्मल किस वे इस तरह की गल हो भी जाती, लड़ाई भी हो जाती है, पर मैं ज़्यादा इंजॉय करना। उर्दू पॉइंट की वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।